सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 5 साल तक कोई भर्ती नहीं की बल्कि 30 से ज्यादा भर्ती घोटाले कर दिए। एचपीएससी दफ्तरों में खुलेआम रिश्वत पकड़ी गई। इक्का दुक्का कोई छोटी भर्ती लिस्ट आ भी गई तो उसमें हरियाणा से ज्यादा अन्य प्रदेशों के लोगों को जगह मिल रही है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 80 एसडीओ में से 78 बाहर के चयनित हुए। एसडीओ इलेक्ट्रिकल में 99 में से 70 बाहर के, असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की लिस्ट में 156 में से 103 बाहर के चयनित हुए और अब हाल में एसडीओपी लिस्ट में 7 में से 4 पदों पर दूसरे प्रदेश के लोगों की भर्ती कर ली गई। हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आने वाले समय में प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार है। मीडिया से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस कहा कि कांग्रेस में नहीं बल्कि भाजपा में गुटबाजी है और जजपा को उन्होंने डूबता जहाज बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पार्टी को मजबूत कर रही है, विरोधी बौखलाकर गुटबाजी के आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के कार्यक्रमों से गठबंधन सरकार की नींद उड़ी हुई है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होगा और हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार बनाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के कार्यक्रमों से गठबंधन सरकार की नींद उड़ी हुई है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होगा और हरियाणा में भी कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। लोकसभा में इंडिया गठबंधन फैसला करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ना किसी की सुनवाई हुई, हर वर्ग प्रदेश सरकार से इस समय परेशान है। सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो फिर से किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि एम्स के लिए सरकार बजट नहीं दे रही तो कैसे देश का उद्धार होगा। केंद्र में प्रदेश सरकार ने अपने स्वार्थ को लेकर ईडी जैसी जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष को दबाने का प्रयास किया है। जो प्रदेश के कोने कोने में जो कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैलियां हो रही हैं और हर गांव में जो घर घर कांग्रेस कार्यक्रम चल रहा है, प्रदेश सरकार पूर्णतः एक विफल सरकार साबित हुई है। खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, हरियाणा के हर वर्ग को अपमानित करने वाली एक अहंकारी सरकार साबित हुई है। किसी की जन सुनवाई ना करने, किसी की सुनवाई नहीं हुई सरकार में और देश में हरियाणा को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में नंबर एक बनाने वाली सरकार जो साबित हुई है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है, हरियाणा में बदलाव निश्चित है और साथ ही लोकसभा चुनाव के अंदर भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होने जा रहा है। देखिए, जो सरकार को जो मांग है कि जो किसान आंदोलन में जो सरकार ने समझौता किया था किसान संगठनों के साथ एमएसपी का प्रणाली को कानूनी जो है अमलीजामा पहचाने का एक कानूनी गारंटी दिलवाने का, तो ये मैं समझता हूँ कि सरकार को उस मांग को उन मांगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए सरकार को और मांगों को पूरा करना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है। देखिए, ये जहाँ तक केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात है, आज पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से 10 वर्ष के अंदर क्या इस सरकार की कार्यशैली रही है। आज कहीं ना कहीं देश का जो साख होनी चाहिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के, उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठे हैं कि सरकार आप केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष की कहीं भी पूरे देश में कोई मजबूत आवाज़ हो, उस आवाज़ को निशाने पर लेने का काम सरकार करती है, ऐसी धारणा लोगों में बनी। ये मैं समझता हूँ देश के प्रजातंत्र के लिए को अच्छी बात नहीं है और सत्ता दल में इस बात पर मंथन होना चाहिए। बजट को लेके आपका कहना है? जो देखिए ये जो बजट आया है, उस बजट में हरियाणा को कुछ हरियाणा के लिए आवंटन नहीं किया गया है। जो हमारी परियोजना लंबित परियोजनाएं थी उनको एक रुपए की ग्रांट नहीं मिली है। ना तो हरियाणा के अंदर मेट्रो का विस्तार होना था, 10 वर्ष में एक खंभे का मेट्रो का विस्तार के लिए कोई ग्रांट नहीं मिली, कोई एक भी बजट में आवंटन नहीं हुआ। हरियाणा के अंदर महम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आना था, उसके लिए 1 रुपये का बजट आवंटन नहीं किया गया 10 साल के अंदर। रेल की लाइन नई बिछाने की हमारी मांग थी, जिसमें दादरी, झज्जर, फारुकनगर रेल की लाइन भी शामिल है, जिसका मैंने सर्वे कराया था। उस किसी भी रेल की पूरे हरियाणा में 1 इंच रेल की लाइन जो है पिछले 10 वर्षों में 1 रुपये का आवंटन 1 इंच रेल की लाइन बिछाने के लिए नहीं किया गया। हरियाणा के अंदर को केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा कोई शैक्षणिक संस्था कोई आता 1 रुपये का आवंटन नहीं किया गया। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जिसकी 4 दीवारी केवल मात्र बनी है गुड़गांव में, उसके लिए 1 रुपये का बजट आवंटित नहीं किया गया। एम्स झज्जर बाड़सा परिसर के अंदर जो 10 संस्थान आने थे, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रखा था, लेकिन उसके साथ 10 और संस्थान वहाँ पर आने थे,
नेशनल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, वो कोई उसके लिए 10 वर्ष में एक रुपए का आवंटन हुआ नहीं। एम्स रेवाड़ी जो 9 साल पहले घोषित इस सरकार ने किया था, 9 साल के बाद चुनावी वर्ष में 22 एम्स के साथ एक बजट का उसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो केवल इतना किया गया कि अगर जो है कुल मिलाकर 6,000 करोड़ 22 एम्स को दिया है सरकार ने इस बार, तो एम्स रेवाड़ी में भी मैंने प्रेजेंट सरकार से पूछा है कि इस रफ्तार से अगर बजट अलोकेट होगा तो 12 साल लग जाएंगे उसकी बिल्डिंग बनने में। तो 9 साल में चुनाव के समय आपने बजट तो दिया, उसके लिए मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि भाई आपने बजट तो रखा, हम धन्यवाद करते, लेकिन वो इतना अपर्याप्त बजट रखा उस प्रोजेक्ट के लिए भी कि 12 साल में वो एम्स की बिल्डिंग तैयार होगी। कम से कम हमने सुना है कि प्रधानमंत्री जी उसका फाउंडेशन स्टोन रखने आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी जिसका फाउंडेशन स्टोन